कैसे हो दोस्तों। डीसी के मेगा क्रॉसओवर इवेंट क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी मेरी तरह द CW के एरोवर्स के फैंस हैं तो आप सबको पता होगा कि जल्दी ही एरोवर्स में क्राइसिस आने वाला है, तो इसलिए मैं ये सीरीज आप सभी के लिए लेके आया हूँ ताकि आप सबको क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ की पूरी स्टोरी पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एपिसोड 1 शुरू करते हैं। समय की शुरुआत में सिर्फ एक ही चीज थी, अ सिंगल ब्लैक इन्फिनिट्यूड। उस इन्फिनिट्यूड में पहले सिर्फ लाइट ही थी और बहुत सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, पर फिर धीरे धीरे लाइट बढ़ने लगी और साथ साथ में डार्कनेस भी बढ़ने लगी और ऐसे ही द मल्टीवर्स का जन्म हुआ। एक मल्टीवर्स जिसमें इन्फिनिट नंबर के अर्थ थे और सभी अर्थ एक ही जगह पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे थे। पराया किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचता है। हम देखते हैं कि एंटी मैटर की एक बहुत बड़ी वेव उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। आखिर में सिर्फ प्लैनेट अर्थ ही बचा है। जो भी चीज़ उस वेव के कांटेक्ट में आती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। पराया सबसे कहता है कि क्या तुम सबको दिख नहीं रहा है, भागने का कोई फायदा नहीं होगा, ये वेव तुम सबको तबाह कर देगी, तुम भगवान से कितनी भी प्रार्थना कर लो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। पराया अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, उसे हर एक यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन देखने की पनिशमेंट दी गई है। सभी लोग एंटी मैटर वेव से मर जाते हैं, पर जब वो वेव पराया को टकराती है तब पराया वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। फिर ये एंटी मैटर वेव अर्थ 3 पर आती है और तबाही मचाती है। अर्थ 3 वो यूनिवर्स है जहाँ पर जस्टिस लीग के बहुत सारे मेंबर्स हीरोज की जगह पर विलन्स हैं। ग्रीन लैंटर्न का अल्टरनेट वर्जन द पावर रिंग कहता है कि मेरी रिंग से भी काम नहीं बन रहा है, मैं इन वोल्केनोज को रोक नहीं पा रहा हूँ, नेचर पागल हो गई है। सुपरमैन का अल्टरनेट वर्जन अल्ट्रामैन कहता है कि मैंने अपने विजन से देखा है, सिर्फ हमारा अर्थ ही बचा है, बाकी पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया है। वो पावर रिंग से कहता है कि दूसरे सभी क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स को बुलाओ, पर पावर रिंग कहता है कि मैंने उन सबको बुला दिया है पर उसका कोई फायदा नहीं है, हम सब मरने वाले हैं। आउल मैन यानी कि हॉक मैन जॉनी क्विक यानी कि द फ्लैश को कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया है, भगवान ने हमें ये ताकत क्यों दी अगर हम अपनी ताकत से लोगों को बचा नहीं सकते। लेक्स लूथर भी उस एंटीमैटर की वेव को देखता है और बोलता है कि मैं अपनी साइंस की मदद से भी इस वेव को नहीं रोक सकता, इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है। वो एंटीमैटर की वेव सुपर वुमन यानी कि वंडर वुमन को मार देती है। लेक्स लूथर ये देख जाता है और वो सोचता है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपनी वाइफ के साथ जाके मरूंगा। वो अपनी वाइफ लोइस लेन के पास जाता है। उसकी वाइफ लोइस लेन है। लेक्स लूथर कहता है कि मैं हमें तो नहीं बचा सकता पर शायद मैं हमारे बेटे को बचा सकता हूँ। वो कहता है कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कोई भी इस अर्थ से दूसरे पैरेलल अर्थ पर जा सकता है। वो अपने बेबी को उस मशीन में रखता है और कहता है कि हम तो मर जाएंगे पर हमारा बेबी जिंदा रहेगा। उस अर्थ के जो भी हीरोज हो वो मेरे बेबी को संभाल कर रखेंगे। एंटी मैटर की वेव जॉनी क्विक और आउल मैन को मार देती है। द पावर रिंग और अल्ट्रा मैन वहीं पर खड़े रह जाते हैं और तभी पराया वहाँ पर आ जाता है। पावर रिंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं पराया हूँ और मुझे बहुत ही दुख है कि तुम्हारा ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है। अल्ट्रा मैन उससे पूछता है कि क्या यह तुम्हारा काम है, क्या तुम ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो पराया कहता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। और आखिर में वो एंटी मैटर की वेव द पावर रिंग
अल्ट्रामैन, लेक्स लूथर और लोइस लेन को मार देता है। मरने से पहले लेक्स लूथर मशीन को स्टार्ट कर देता है और उसका बेबी उस अर्थ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वो बेबी अर्थ वन के द जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, पर ये हेडक्वार्टर अबार्डेंट है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेंज सा दिखता हुआ आदमी कहता है कि ये फिर से शुरू हो गया है लायला, दूसरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय होने वाला है, अब टाइम आ गया है कि हम कुछ काम करें। फिर मॉनिटर कहता है कि तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है और किस किस को बुलाना है, मैंने उसम को एनालाइज किया है। लाला कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ। आपने सभी सुपरमैन, सभी वंडर वुमन और सभी मोस्ट पावरफुल हीरोज को क्यों नहीं चुना है? मॉनिटर कहता है कि हमारी एक ही आशा है कि सभी चुने हुए लोग साथ मिलकर काम करें तो ही हम जीत सकते हैं। अब चलो काम पर लग जाओ, अपने आप को एनर्जाइज करो। लायला अपने आप को एनर्जाइज करना शुरू कर देती है और सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और अब लायला हार्बिंजर बन गई है। वो अपने आप को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और हर एक पार्ट को एक एक यूनिवर्स में भेजती है। हार्बिंजर अफ्रीका में द गोरिला सिटी में आ जाती है। हम देखते हैं कि गोरिला सिटी का राजा सोलोमन है। उसे पता चलता है कि पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो सोचता है कि सभी ह्यूमंस इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। हार्बिंजर वहाँ पर आ जाती है। सोलोमन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला इस जगह के बारे में। वो कहती है कि मॉनिटर को सब पता है और मॉनिटर को तुम्हारी ज़रूरत है यूनिवर्स को बचाने के लिए, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। दूसरे गोरिल्लास हार्बिंजर को देख जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, पर हार्बिंजर सोलोमन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हार्बिंजर 38th सेंचुरी के मेट्रोपोलिस में पहुँच जाती है। वहाँ पर हम डॉन स्टार को देखते हैं। डॉन स्टार द लीजन ऑफ सुपर हीरोज की एक मेंबर है। उसे एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। उस वॉइस का पीछा करते करते डॉन स्टार पूरे मेट्रोपोलिस में घूमती है। आखिर में उसे हार्बिंजर दिखती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हार्बिंजर उसे भी वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हम 1942 के अर्थ 2 पर आते हैं। वहाँ पर हार्बिंजर फायर ब्रांड से मिलती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फायर ब्रांड कहती है कि पता नहीं क्यों पर मुझे तुम पर भरोसा है, और इसलिए हार्बिंजर उसे फिर लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में एक क्राइम चल रहा होता है और तभी ब्लू बीटल वहाँ पर आ जाता है और उस क्राइम को रोक देता है। हार्बिंजर वहाँ पर आ जाती है। ब्लू बीटल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। हार्बिंजर कहती है कि तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, अभी तुम मेरे साथ चलो, और हार्बिंजर ब्लू बीटल को भी लेकर चली जाती है। फिर हार्बिंजर एरियन को ढूंढने जाती है। हार्बिंजर एक जेल में घुस जाती है और रॉजर हेडन से कहती है कि इस यूनिवर्स को बचाने के लिए साइको पायरेट की पावर्स की ज़रूरत है। हार्बिंजर उसको उसका मेड्यूसा मास्क देती है और वो पहनकर वो साइको पायरेट बन जाता है। हार्बिंजर साइको पायरेट और एरियन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। आखिर में अर्थ वन पर हार्बिंजर और साइको पायरेट फायरस्टॉर्म और किलर फ्रॉस्ट से मिलते हैं और उन दोनों को भी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जिन जिन को भी हार्बिंजर उठाकर लेके आई है वो सभी एक ही रूम में है। उस रूम में ब्लू बीटल, सुपरमैन, फायरस्टॉर्म, किलर फ्रॉस्ट, साइको पायरेट, डॉन स्टार और भी बहुत सारे हीरोज और विलन्स हैं। तभी सभी हीरोज और विलन्स पर कुछ शेडोज हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी एक साथ मिलकर उन शेडोज के साथ लड़ाई करते हैं, पर उन पर कोई भी हमला काम नहीं करता है। आखिर में एक लाइट का बहुत बड़ा फ्लैश आता है और सभी शेडोज वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। पीछे से अंधेरे में एक मिस्टीरियस फिगर बाहर आता है। वो कहता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो।
मेरा नाम है दी मॉनिटर और मैंने तुम सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम सभी के यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मॉनिटर ने सभी हीरोज और विलन्स को क्यों बुलाया है और मॉनिटर का क्या प्लान है इस एंटी मैटर की वेव को रोकने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा नाम है नील, ये है कॉमिक्स असेंबल। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।